गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। एक्चुअली मेरा फास्टिंग था कल, तो फास्टिंग था ना, तो पता नहीं कैसे फास्टिंग था। उसके बाद मैं स्कूल गई, आई, घर आई, तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही थी कि मैं स्कूल गई थी, उसके बाद आई और पता नहीं फिर कैसे मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है अभी, पेट में बहुत दर्द है। लेकिन मुझे ना दिन भर मैं सोई हूँ दवा लेकर के, और अभी मैथ्स को लेके आई हूँ घुमाने नीचे, देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे तो लाना सबसे ज़रूरी। चीकू स्कूल गया है, चीकू को दादी लेने गई है बस स्टॉप पर, अभी ले कर आएँगी, अभी आ जाएगा वो, तो उससे मिलाऊँगी। तो देखिए कितना खींच रहा है सब तरफ, देखिए खींच खींच के रोड में ले आया है, देखिए इतना बदमाशी कर रहा है, बाहर लेके आ गया खींच खींच के, इतना खींच रहा है मैक्स। तुम देखो कहाँ जाएगा मैक्स, पता नहीं। तो देखिए कैसे घूम रहा है ये, इसको पता नहीं क्या मिल रहा है घूमने में, क्या लग रहा है इसको, पता नहीं क्या करेगा, क्या करना चाह रहा है। देखो चलो अब घर चलेंगे मैक्स, बाहर में बहुत सारा कुत्ता लोग हैं, डॉगी लोग हैं, चलो चलो घर चलेंगे मैक्स, चलोगे घर। आज मेरा तबीयत खराब है, इसको घर जाने ही मन नहीं कर रहा, इसको बाहर में ही पूरा रोड में घूमने मन कर रहा है। देखिए रोड में खींच के लाया है, तो ऊपर जाके मिलती हूँ आप सबसे, फ्रेंड्स से खींचे जा रहा है मुझे, खींचे जा रहा है मुझे, एकदम बाहर लेके आज मुझे गया था। देखिए ये पूरा बाहर से मैं लेके आ रही हूँ इसको, अभी देखिए चलेगा अभी भी नहीं चल रहा है। तुम मेरा तबीयत ख़राब है और तुम तबीयत ख़राब कर दो मेरा, है ना मैच। चलो जल्दी जल्दी फटाफट चलो, भैया भी आ गया है स्कूल से और तुम घूम ही रहे हो बाहर में ही, है ना। चल जल्दी जल्दी फटाफट चलो, आ गया है चीकू, वो आ गया, उसको चाबी दे करके ना भेज दिए हैं ऊपर। तबीयत ख़राब है, बोला मम्मी कैसी हो, पेट दर्द कैसा है, फास्टिंग की वजह से हो जाता है, फास्टिंग है ना मेरा, तो फास्टिंग कल था ना इसी की वजह से मेरा हो गया था। अभी इसको लेके आ रही हूँ ऊपर, आप सबको सोची थोड़ा वीडियो अपडेट कर दूँ, नहीं डाल पाती हूँ, तो देखिए कोई पता नहीं खोल रहा है आ नहीं रहा है। अब चलोगे घर, अब क्या हो रहा है तुमको, अब चलो घर। तुमको चोट लग जाएगी पागल हो रहा है तो, चलो जल्दी फटाफट से, चीकू घर भी आ गया और तुम घूम ही रहे हो मेरे साथ में। सोचिए इसको ले गई थी कि साथ में लेके आऊंगी, माँ छोड़ूंगी, छोड़ के चले भी गए। अभी जा रही हूँ इलेक्ट्रोल पीऊंगी क्योंकि मेरा पेट में दर्द है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, और तो उपवास भी था, गैस हो गया ना इस वजह से, तो अभी जा रही हूँ पहले इलेक्ट्रोल पीती हूँ ORS, और उसके बाद फिर देखती हूँ कैसे। कल तो बहुत दर्द हुआ, बहुत दवा भी ली थी। चलो चलो चलो, भैया आ गया, देखो भैया, भैया आ गया स्कूल से, देखो ये देखो भैया आ गया, भैया हेलो बोलो। हमको खींच के पता है कहाँ ले गया, बहुत दूर ले गया खींच के हमको। तुम कैसे हो, क्या हो गया तुमको, बुखार? देखिए मेरा, अरे यार सच में गर्म है सही बेटा, क्यों? फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में आप सबसे। देखिए मेरा तबीयत खराब है, इसको फीवर, कैसे फीवर लगा लिया चीकू, बहुत परेशान हूँ यार, बताओ कभी एक हम सीन नहीं हुए, तुम तबीयत खराब कर रहे हो अपना। चलो ड्रेस वगैरह चेंज करो जल्दी, कैसे फीवर लग रहा है बेटा, चेहरा धो ना, हाथ धो, हैंड वॉश करो, कपड़ा खोल दे। फीवर तो है बच्चा को, गर्म लग रहा है, होठ भी सूख गया है। चिप्स फिर खाया दादी से लिवा के, तेल में क्या डाल दिए, लिप गंदा करके आए हो, नहीं। और टोपी दोनों लेके आए, हाँ। एक तो बुला के ना बेटा, धोना नहीं था आज, नहीं बस ही मैं छूट गया था, पैंट धोना पड़ेगा, काफी दिन लग रहा बेटा, मम्मा जा रही है ORS पिएगी अभी। देखो ड्रेस चेंज करता है ना तो दरवाजा और ये बंद करके करता है, शर्मिला बुआ से मिली आप सब, देखिए मम्मा से भी दरवाजा बंद कर ड्रेस चेंज कर रहा है चीकू,
थोड़ा सा स्मार्ट हो यार चीकू, दरवाजा बंद करके मम्मा से भी दरवाजा बंद करके तुम खोल रहे हो। अच्छा से हैंड वॉश करो बेटा। हाँ तो चीकू आ चुका है घर। अभी देखिए ड्रेस वगैरह खोल के रखा, अभी मैं सब ठीक करूँगी। स्कूल ड्रेस वगैरह सब फेंक दिया है, जैसे कपड़ा का भीड़ लगा हुआ है ठंडी के मौसम में, सब तरफ कपड़ा ही कपड़ा ठंडी में निकल जाते हैं ना। तो बस अभी मैं ड्रेस वगैरह उसका चेंज कर लेती हूँ, यूनिफॉर्म, और फिर उसको मैं कुछ नाश्ते वगैरह देती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स मेरा भी देखिए कैसा हालत हो रखा है, आँख वगैरह देखिए कैसा लग रहा है, पूरा आँख से लहर फेंक रहा है, मतलब एकदम अजीब सा लग रहा है, ठंड लगने से क्या हो गया पता नहीं। चलिए देखिए सब कपड़ा का हालत ठीक कर लेती हूँ। मैं अभी इसी रूम में बैठी हूँ जिसपे उलन कपड़ा सिर्फ रखी हूँ, पूरा भरा हुआ रहता है सब तरफ, अभी ठीक करूँगी इसको। तो चलिए आगे मिलती हूँ फ्रेंड्स। लंच बॉक्स नहीं निकाला बेटा बैग से, निकालो ना बेटा फिर रह जाएगा उसी में। लंच बॉक्स वगैरह निकालो, देखो खाना खाओ। क्या खाना दे बुआ? चलो खीर वगैरह भी है, सब बहुत कुछ है, अभी तो ये सब खा लो। ये देखिए ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन ये देखिए गुलाब जामुन, आहा रसगुल्ला, यम्मी यम्मी सा। माँ भी लाई है और क्या दिखाती हूँ, और माँ बना के लाई, तबीयत खराब है। ये देखिए खीर है, सब लाई है, सब बहुत कुछ ला के रखी है। ये देखो और क्या क्या है, और यहाँ देखिए छोले है, और ये भुजिया है, सुबह का मैं बनाई थी, भरता बनाई थी, पनीर चिल्ली वो भी पड़ा हुआ है, रोटी सब चीज बचा हुआ है इसमें। तो अभी खाने में क्या बनाऊंगी, मेरी तबीयत भी खराब है, खाने में आज कुछ भी बनाना नहीं है। चीकू को पहले कुछ दे लेती हूँ खाने के लिए, वो खा ले, तो देखती हूँ चीकू खाते हैं, आप सब बताइए खा के एक मेरी तरफ से। ये देखिए तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ किचन में, और आप सबको बता ही ना कि चीकू का भी तबीयत ख़राब है, उसे भी फीवर लग गया, और मुझे तो पहले से ही था, पेट में दर्द था, तो पता नहीं क्या हो गया था ठंडी में। तो वही मैं देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोल पी रही हूँ अभी ORS, ताकि पानी की कमी ना हो और थोड़ा सा मतलब कि एनर्जी आ जाए। बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरा हाल ऐसा लग रहा है, क्या बोलूँ। तो बस यहाँ पर मैं पी लेती हूँ इलेक्ट्रोल, और मुँह देख ऐसे बना रही हूँ। और ये देखिए मैक्सू गया था नीचे ना, अभी मैं मैक्सू को नीचे लेकर गई थी, तो पूरा कांटा में घुस गया दौड़ दौड़ के, और पूरा ना अपना बाल में कांटा फंसा लिया, और यहाँ पे ला के पूरा नोच नोच गिराया हुआ है चौकी के नीचे। मैं आगे दिखाती हूँ, तो मैं उसी को गुस्सा हो रही हूँ, उसी को डांट रही हूँ कि तुम्हारे वजह से मैं परेशान हो जा रही हूँ। तो नीचे ले गया, इतना मुझे खींच के ले गया सब जगह, पूरा बाहर ले गया, और फिर घर में आने के बाद देखिए पूरा घर में हॉल में यहाँ बैठ के पूरा बाल नोच नोच गिराया, हर कांटा मतलब कांटा उसमें लग गया, वो घुस गया था पूरा झाड़ी वगैरह में, तो इसी वजह से उसको लग गया। मैं बोली अभी झाड़ू पोछा करके नहा के नाश्ता मैं की थी, और तुम फिर गंदा कर दिए, उसी में मैं गुस्सा हो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ उसके ऊपर, झाड़ू कर रही हूँ, परेशान हो जा रही हूँ मैं तुमसे, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ उसको। देख सकते हैं मेरा फेस कैसे मैं बनाई हूँ गुस्सा से। तो बस मैं डांटते डांटते झाड़ू कर ली यहाँ पर, वैसे ही होते रहता है, दिन भर झाड़ू वाड़ू चलते रहता है मेरे घर में, क्योंकि घर में थोड़ा सा भी गंदगी वगैरह होता है ना तो बहुत ख़राब लगता है, सामने दिखता है तो बस। और मैं यहाँ पे ना कपड़ा धो करके रखी थी, ऐसे टांग दी थी मैं नल के ऊपर, ताकि पानी पूरा गर जाए, कुछ जैसे मैं हाथ से धोती हूँ ना उसे ऐसे ही रख देती हूँ, और जो मशीन में डालती हूँ वो तो सूखा हुआ सूख जाता है उसे, तो फिर निकाल के डाल देती हूँ रस्सी वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए पहले से सूख रहा था, मैं मतलब कि इसे कभी भी शाम में भी धो के डाल देती हूँ ना कुछ कपड़े, तो सूखते रहते हैं, दोनों बालकनी में डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट डे जब दूसरा कपड़ा धोती हूँ डालने आती हूँ तो उसको उठाती हूँ, तब तक वो अच्छी तरह से सूख जाता है। तो मेरा ऐसे ही हमेशा होते रहता है। तो अभी तो ठंडी में बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह हो रहा है, आप सब जानते ही हैं कितना कपड़ा अभी निकल रहा है, उलेन भी हो जाता है, और स्कूल का हो जाता है, घर का, चीकू का भी हो जाता है, इनका हो जाता है, सबका हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे डाल दूँगी, बट यहाँ पे सब नहीं आएगा, तो मैं दूसरा बालकनी में भी कुछ कपड़े ले जा करके डाल दूँगी, वो रखा हुआ था धोल के, मतलब कि धोल के मैं पानी करने के लिए रख दी थी। और ये देखिए यहाँ भी पहले सूख रहा है कपड़ा, मतलब कि जहाँ देखिए वहाँ कपड़ा ही कपड़ा हो जाता है, धुलाते रहता है जितना भी यूज होता है सो।
तो बस वो मैं करने के बाद में जो कपड़े उठा के लाई थी ना दोनों बालकनी से, तो ऐसे देखी कुर्सी पे मैं रख दी, तो अगर मैं रख दूंगी ना तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे जब मैं जाऊंगी तो फिर ऐसे ही उठा के रख दूंगी, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा का ढेर ही बन जाता है। तो इसी वजह से ना मैं लगे हाथ ना इसे मोड़ भी लेती हूँ, मतलब अरेंज करके आलना पे या फिर जैसे जहाँ जिसका होता है वहाँ रख देती हूँ, जिसका जगह जहाँ पे है, क्योंकि सुबह में किसी के पास भी एक मिनट का टाइम नहीं है, सबको निकलना होता है फटाफट से, तो उस टाइम कपड़े खोते रह जाएंगे ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगे हाथ सब जितने भी गंजी वगैरह देखिए लोग का है, चीकू का है, मेरा कपड़ा है, इनका है, सब जितने भी मतलब है सबको मैं मोड़ रही थी। यहाँ पे देखे चीकू ला के फ़ोन दिया, मेरे मतलब कि फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का, वो चीकू का तबीयत ख़राब है ना, उसी के लिए बोल रहे कुछ दवाई दे दो, पारासीटामोल दे दो, वहाँ पे रखा हुआ है उसे, आज फीवर लग गया तो वही बोल रहे, तो मैं फिर उसके पास आ गई। मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं लग रहा है, रो क्यों रहे हो तो बॉडी में दर्द दे रहा है, अभी दवाई देंगे बच्चा को। अभी मामा भी ठीक नहीं हुई बेटा, तबीयत ख़राब कर लिए, मामा का खुद बहुत दर्द हो रहा है बेटा, नहीं रो। और आप सबको दिखाई थी ना फ्रेंड्स कितना सारा खाना है, और मैं भी नाश्ता बनाई थी, तो मैं भरता बनाई थी और पनीर चिल्ली से वो भी बनाई थी, तो वो सब बचा हुआ ही था, कोई खा नहीं था, तो वही अभी खाना मैं खा लेती हूँ। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो था, ये वीडियो ब्लॉग था मेरा, तबीयत ख़राब है मेरा, चिकू का दोनों का, चिकू अभी सो रहा है, दवाई दे दी हूँ उसे, पारासीटामोल उसे दे दी हूँ, वो सो रहा है, और मेरा भी अभी ठीक नहीं हुआ है, जस्ट अभी देखिए मैं दवाई लेके बैठ, मतलब जस्ट अभी दवाई खाई हूँ, पेट दर्द इन्फेक्शन कुछ होगा उसका, तो बस अभी मैं खाई हूँ और थोड़ा देर में भी आराम करूँगी चीकू, क्योंकि सो रहा है दवाई खा करके। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, और वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कीजिए, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।